What kind of work do people in your neighborhood do? Name any five. What are these worker called? What kind of work do people? किस तरीके का काम लोग करते हैं in your neighborhood, आपके पड़ोस में? उनमें से पांच के आपको नाम लिखने हैं और इन काम करने वालों को क्या कहते हैं? तो left hand side में हमें लिखना है उनका work, right hand side पे लिखना है what they are called, उन्हें क्या कहा जाता है? एक example इसमें दे रखा है repair cars and scooters, जो car और scooter को repair करते हैं। मान लीजिए आपकी car खराब हो गई या scooter खराब हो गया, तो जहाँ पर आप इसे ठीक कराने के लिए ले जाते हैं, उसको mechanic कहते हैं। इस तरीके से second column में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? आपने देखा होगा कॉलोनी में जिस तरीके की काम होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एक काम जो डेली होता है वो है सब्जी वाला, आपके घर के सामने आता है डेली, फ्रूट्स वाला या सब्जी वाला, कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठेले पे लेके, तो ठेले पे वो आता है, उसको क्या कहते हैं, काम क्या करता है वो, सेल्स वेजिटेबल या फ्रूट्स, तो सेल्स वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, और उसको क्या बुलाते हैं हम, उसको बुलाते हैं सब्जी वाला, ठीक है, और उसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रीन ग्रोसर। तो लेफ्ट में लिखेंगे सेल्स वेजिटेबल, राइट में लिखेंगे ग्रीन ग्रोसर। फिर आपके घर में कोई भी छोटी मोटी टूट फूट हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए मिस्त्री को बुलाया जाता है, तो लेफ्ट में लिखेंगे हम बिल्ड हाउस, घर बनाने वाला, और राइट में लिखेंगे मैसन, मैसन मतलब मिस्त्री। फिर थर्ड लिखेंगे आपके घर में कभी नल टैप खराब हो जाता है या कभी टंकी में पानी ठीक से नहीं आता है तो किसको बुलाती है आपकी मम्मी, प्लम्बर को, तो लेफ्ट में लिखेंगे हम रिपेयर टैप एंड वाटर सप्लाई और राइट में लिखेंगे प्लम्बर। फिर हमारे आसपास घर के क्या होता है, अक्सर एक टेलर होता है जो कपड़े सिलता है, लेफ्ट में लिखेंगे स्टिचिंग क्लॉथ, राइट में लिखेंगे टेलर। इस तरीके से आप आपके घर के आसपास जो भी चीजें हैं आप ऑब्जर्व करिए। अगर आपके घर के पास डॉक्टर की शॉप है तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर, लेफ्ट में काम और डॉक्टर है उसको बुलाते हैं, और लेफ्ट में क्या लिखोगे, क्या काम है उसका, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट का ट्रीटमेंट करना। फिर इसी तरीके से गार्ड हाउस, आपके घर को गार्ड कौन करता है, वॉचमैन, वेरी गुड, ठीक है, तो राइट में आप उसका नाम लिख देंगे वॉचमैन, लेफ्ट में लिखेंगे गार्ड हाउस। इस तरीके से आप घर के चारों ओर देखिएगा, अपने घर के आसपास जो भी शॉप है या जो भी व्यक्ति है, जो भी वो काम करता है, अगर आपके घर के पास कॉबलर है, नाई है, हेयर कट करने वाला है, बार्बर है, जो भी कोई है, तो आप उसका वर्क लिखेंगे, काम क्या करता है वो और उसे क्या बुलाते हैं। इस तरीके से इस कॉलम को आप भर सकते हैं। इन द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के फर्स्ट पेज पे जो पिक्चर है, सम बिल्डिंग्स हैव बीन शोन, उसमें कुछ बिल्डिंग दिखाई गई है। इन द लिस्ट बिलो पुट अ रेड सर्कल ऑन द नेम्स ऑफ दीज बिल्डिंग, पहले पेज पे जो पिक्चर है उसमें जो बिल्डिंग दिखाई गई है उन बिल्डिंग्स के नाम के आगे आपको रेड सर्कल बनाना है। ऑल्सो पुट अ ग्रीन और येलो सर्कल ऑन द नेम्स ऑफ दोज बिल्डिंग दैट आर इन योर नेबरहुड, और आपके आसपास जो भी बिल्डिंग है उस पर आपको ग्रीन या येलो कलर से सर्कल बनाना है। तो आइए देखते हैं पहले पेज पे जो पिक्चर बना हुआ है उसमें कौन कौन सी बिल्डिंग है। पहले पेज पे जो पिक्चर बना है उसमें पोस्ट ऑफिस है, यस पोस्ट ऑफिस है, आप उसको सर्कल करेंगे। टेलीफोन बूथ है, नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिस है, नहीं है। धर्मशाला, नहीं। सिनेमा हॉल भी नहीं है। पेट्रोल पंप भी नहीं है। मॉस्क्यू भी नहीं है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है बच्चों, लेकिन वो सेकंड पेज की पिक्चर पर है। स्कूल है, स्कूल भी सेकंड पेज की पिक्चर पर है। चर्च, होटल, पुलिस स्टेशन, शॉप, शॉप है, टी स्टॉल है वहां पे, तो शॉप पे सर्कल करेंगे। रेलवे स्टेशन, टेम्पल, कॉलेज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बस स्टैंड, बैंक, गुरुद्वारा, कोर्ट, इसमें से ये कुछ भी नहीं है, तो हम दो चीजों पे सर्कल। अब आपके घर के आसपास जो भी चीजें हैं इनमें से, जो नाम लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी चीज अगर आपके घर के आसपास है तो आप उस पर ग्रीन या येलो कलर से सर्कल कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर घर के आसपास होती ही है, जैसे कि टेम्पल, आपके घर के आसपास एक टेम्पल जरूर होता है, तो हम टेम्पल पे सर्कल कर देंगे। और कभी कभी एक छोटा मोटा स्कूल, प्ले वे टाइप का, ऐसा भी हर कॉलोनी में होता है अपार्टमेंट के पास में, तो स्कूल पे आप सर्कल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपके घर के आसपास चीजें हैं, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, कोई चर्च है, पुलिस स्टेशन है, शॉप, शॉप भी घर के आसपास होती है, कोई छोटी छोटी जिसपे स्टेशनरी का सामान मिलता है या ग्रोसरी मिलती है, किचन का आइटम मिलता है, तो उस पर कर सकते हैं सर्कल। और जो भी कोई आइटम, सॉरी, जो भी कोई शॉप आपके घर के आसपास है या बिल्डिंग है तो आप उस पर सर्कल कर देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। राइट द नेम ऑफ एनी फाइव बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम,
आपको पांच ऐसी बिल्डिंग के नाम लिखने हैं और काम लिखना है कि उस बिल्डिंग में क्या काम किया जाता है। जैसे कि बिल्डिंग का नाम है हॉस्पिटल, उसमें क्या काम किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट का इलाज किया जाता है, एंड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन दिया जाता है। वैक्सीनेशन मतलब बीमारियों से बचने के लिए उन्हें जो इंजेक्शन लगाया जाता है, जो दवाई दी जाती है, उसको वैक्सीनेशन कहा जाता है, तो वो किया जाता है। तो इस तरीके से आपको नेम ऑफ बिल्डिंग लिखना है और उसका काम लिखना है। तो नेम ऑफ बिल्डिंग में हम क्या लिख सकते हैं, जो हमें हर महीने जरूरत पड़ती है वो है बैंक। महीने में एक या दो बार हम बैंक जरूर जाते हैं, आपके मम्मी पापा क्या करने जाते हैं, पैसा निकालने जाते हैं या जमा करने जाते हैं। उनकी सैलरी आ गई है तो पैसा निकालने जाएंगे घर खर्चे के लिए, और अगर कुछ पैसा इकट्ठा हो गया है तो उसको जमा करने जाते हैं। तो बिल्डिंग में लिखेंगे हम बैंक, और वर्क डन में लिखेंगे डिपॉजिट और विड्रॉ मनी। फिर उसके नीचे आ जाते हैं, फिर बिल्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस भी हमारे घर के आसपास या दूर होता ही है। पोस्ट ऑफिस में क्या चीज है, सेल वर्क होता है, वर्क डन किया जाता है, स्टैम्प लेटर एंड पोस्ट कार्ड, सेल स्टैम्प लेटर एंड पोस्ट कार्ड, ये चीजें बेची जाती हैं। कभी कभी हम उसमें मनी भी डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में। फिर उसके नीचे आते हैं, कोई भी चीज आप लिख सकते हो जो भी आपके घर के आसपास है। आप देखिए कि आपके घर के आसपास कौन कौन सी चीज है। अगर आपके घर के आसपास स्कूल है तो आप स्कूल लिख सकते हैं। स्कूल में क्या कराया जाता है, टीचर टीचेस चिल्ड्रन, स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाती है, ये काम होता है वहां पे। या फिर आप लिख सकते हैं स्टेशनरी शॉप है आपके घर के आसपास, जहाँ पे क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, सेल स्टडी रिलेटेड मटेरियल, पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें बिकती हैं, कॉपी किताब, रबड़, पेंसिल, स्केल, कंपास, बॉक्स, बैग, ठीक है, तो वो लिख सकते हैं। या फिर आपके घर के आसपास कोई शॉप है या कोई होटल है, आपके घर के आसपास जो भी बिल्डिंग है आप उस बिल्डिंग का नाम यहाँ पे लिखेंगे और जो उसमें काम किया जाता है वो लिखेंगे। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। इन द पिक्चर यू सॉ मैनी पीपल वर्क टूगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। पिक्चर में आपने देखा कि बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं और एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं। स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मैनी पीपल वर्क। स्कूल भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। राइट वॉट वर्क इज डन इन द स्कूल। लिखिए स्कूल में क्या क्या काम किया जाता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप स्कूल जाते हैं, आप क्या हो, स्टूडेंट हो, और स्कूल में जाके क्या करते हो, पढ़ाई करते हो यानी स्टडी करते हो। तो सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे स्टूडेंट स्टडी। उसके बाद आपको पढ़ाता कौन है, टीचर, और किसको पढ़ाती है, बच्चों को, तो लिखेंगे टीचर टीच चिल्ड्रन। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, स्कूल का हेड कौन होता है, प्रिंसिपल, तो लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल का काम क्या होता है, ऑब्जर्व या मैनेज, दोनों में से एक वर्ड लिखेंगे आप, ऑब्जर्व या मैनेज ऑल द थिंग हैपन इन स्कूल। स्कूल में जो भी कुछ हो रहा है उसको देखना, ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना, या फिर उनको मैनेज करना कि ठीक प्रकार से वो कर रहे हो। फिर एक स्कूल में एक अलग से मैनेजमेंट ऑफिस होता है जिसको हम ऑफिस स्टाफ कहते हैं। ऑफिस स्टाफ का काम क्या होता है, कलेक्ट फीस एंड मैनेज ऑल इवेंट, कि फीस को कलेक्ट करना, जो भी स्कूल में बच्चों की फीस आ रही है और जो भी स्कूल में प्रोग्राम होते हैं उनको मैनेज करना, उनको अरेंज करना। आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। क्या पिक्चर में कोई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, तो वो क्या करते हैं। बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो वो पढ़ेंगे, लेकिन अगर वो स्कूल नहीं जा रहे तो वो क्या करते हैं फिर। तो आप इस पहले पेज पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए कि इस पिक्चर में एक लड़का है जो स्कूल नहीं जाता और एक लड़की भी है। तो हम आंसर में लिखेंगे, यस इन द पिक्चर देर इज अ बॉय हु वर्किंग एट टी स्टॉल। यहाँ पर एक बच्चा है जो टी स्टॉल पे काम करता है, वो टी स्टॉल पे काम करता है तो स्कूल तो नहीं जाएगा। एंड अ गर्ल सिटिंग नियर द ट्री एंड प्लेइंग, और एक लड़की है जो पेड़ के पास बैठी है और खेल रही है। तो इस पिक्चर में दो बच्चे ऐसे जो स्कूल नहीं जाते। दीपाली